नमस्कार सभी के लिए। तो आइए, 19 मार्च 2020 का एडिटोरियल है जो कि द हिंदू में पब्लिश हुआ है। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लिखा किसने है? प्रशांत भूषण जी ने, जो जनरली दिल्ली में अपनी लॉयर एज अ लॉयर वर्क करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। तो देखते हैं, जाने माने लीडर भी रह चुके हैं या हैं, ठीक है? तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इन अपर हाउस, मतलब ये राज्यसभा में जो रिसेंटली जो नॉमिनेशन हुआ है रंजन गोगोई का, उसी पे बेस्ड है पूरा का पूरा एडिटोरियल। या किस हिसाब से नॉमिनेशन हुए हैं उस चीज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू में। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इन अपर हाउस नॉमिनेशन अ फॉल फॉर अलूफनेस। यहाँ अलूपनेस के कई मतलब होते हैं। अलूपनेस मतलब अलग करना किसी को, और क्या दुराव करना, कई मतलब इसके होते हैं। तो आप अलूपनेस, इन अपर हाउस नॉमिनेशन अ फेल फॉर अलूपनेस, मतलब सीधी बात है उसका पतन हो गया है, ठीक है? इनका मतलब ये है कि जो राज्यसभा का अपर हाउस का नॉमिनेशन है वो उसका क्या हो गया है, एक अलगाव हो गया है, उसके नॉमिनेशन का पतन हो गया है, ठीक। विद इन 5 मंथ ऑफ हिज रिटायरमेंट एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस रंजन गोगोई हैज़ बीन नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय द गवर्नमेंट शॉर्टली बिफोर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ही डिलीवर्ड सेवरल इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट विथ फॉर रीचिंग पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस दैट लेफ्ट द गवर्नमेंट प्लीज्ड, इंक्लूडिंग द अयोध्या जजमेंट। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अभी जो रिसेंटली उन्होंने पिछले 5 महीने पहले ही कुछ ऐसे जजमेंट दिए थे जिन्होंने गवर्नमेंट को क्या कर दिया, खुश कर दिया, जिसमें से अयोध्या जजमेंट प्रमुख है, ठीक है? बिफोर दैट जस्टिस गोगोई डिसमिस्ड अ रिव्यू ऑफ अ राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट डील विदाउट सब्सटेंसली डीलिंग विद द ग्राउंड ऑन विच द ओरिजिनल जजमेंट निगेटिंग। और ये राफेल एयरक्राफ्ट निगेटिंग मतलब होता है निष्फल कर दिया। एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हैड बीन चैलेंज, जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसको भी उन्होंने अलग करके उस मतलब उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। जो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट में जो किसी एक निष्पक्ष उसने डील मतलब दलील लगाई थी केंद्र सरकार के अगेंस्ट में, उन्हें उसको लिए भी उन्होंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। द ओरिजिनल जजमेंट रिलाइड अपॉन सेवरल पीस ऑफ फॉल्स एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन कन्वे टू द सुप्रीम कोर्ट बाय द गवर्नमेंट इन एन अनसाइंड नोट एंड हैंडेड ओवर द सील्ड कवर। तो ऐसे बहुत से गलत पक्ष रखे गए, गलत चीज़ें बताई गई केंद्र सरकार के द्वारा। तो उस सबकी चीज़ों को लेके वो अपील लगाई गई थी, ये याचिका लगाई गई थी, तो उसको भी इन्होंने क्या कर दिया, निष्फल कर दिया। अब देखते जाइए, पहला क्या केंद्र के रेफरेंस में क्या आ गया रंजन गोगोई ने दिया, कि सबसे पहले एक अयोध्या वर्डिक्ट, दूसरा हो गया राफेल को लेके। की जजमेंट्स हैंडल्ड ड्यूरिंग द हिज टेन्योर, जस्टिस गोगोई ऑल्सो प्रिसाइडेड ओवर एंड पुश थ्रू द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन इन आसाम, एन एक्सरसाइज दैट हैज एक्सक्लूडेड मोर देन 90 लाख पीपल फ्रॉम द फाइनल वर्जन ऑफ द सिटीजनशिप रजिस्टर एंड विच हैज़ बीन वाइडली क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल ग्राउंड। अब क्या हुआ, इनके ही कार्यकाल में क्या हुआ, NRC की क्या हुई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, आदेश दिया केंद्र के लिए NRC का रेफरेंस में, और उससे क्या हुए, 19 लाख लोग एक्सक्लूड हो गए, और उसकी आलोचना हुई कई लेवल पे, कई तरह के से, मतलब कई तथ्यों को रखते हुए, कई ग्राउंड को लेते हुए। इन शॉर्ट द एक्सरसाइज प्रिसाइडेड ओवर वाई हेम लेड टू द ह्यूज ह्यूमेटेरियन क्राइसिस बट फेड इन टू द गवर्नमेंट नेरेटिव एंड मेथड बाई विच इट नाउ सीक टू अंडरटेक अ नेशन वाइड NRC एक्सरसाइज एंड फर्दर आर डिविसिव पॉलिटिक्स। ह्यूमेटेरियन ग्राउंड या ह्यूमेटेरियन क्राइसिस वहाँ पर हो गई, लेकिन वो गवर्नमेंट के हिसाब से सही थी, और गवर्नमेंट को ये प्रूव करने का मौका मिल गया कि पूरे के पूरे देश में भी NRC का क्या होना चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, और ये एक डिविसिव पॉलिटिक्स वहाँ से स्टार्ट हो गई। देन देयर वाज अ सबरीमला टेम्पल रिव्यू, अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एक्सक्लूडिंग
मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन फ्रॉम एंटरिंग द टेम्पल वॉज डिस्क्रिमिनेटी एंड देयर फॉर अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरेलिटी. अ वेंच हेडेड बाय जस्टिस गोगोई ग्रेचुअसली, यहाँ पर ग्रेचुअसली का मतलब है अनावश्यक रूप से, रेफर्ड दीज इशू टू अ लार्जर वेंच मच टू द डिलाइटेड ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया उस केस सबरीमाला केस को भी क्या हायर बेंच को मतलब प्रोसीड करवा दिया या रेफर्ड करवा दिया अनावश्यक रूप से, जिससे क्या हुआ गवर्नमेंट ये मतलब ये भी गवर्नमेंट के फेवर में गया. वन कोट मल्टीप्लाई द केसेस विद जस्टिस गोगोई डिसाइडेड ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इन रन अप टू इट, एंड इट वुड बी सेफ टू से दैट हिज जजमेंट लेफ्ट द गवर्नमेंट प्लीज्ड विथ scarcely any political sensitive case being decided against the government wishes. और इन्होंने क्या किया जितने भी जजमेंट हुए उन्होंने उन जजमेंट किसके लिए खुश करते हुए गए जो गवर्नमेंट थी. ठीक है, और डिसाइडेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट wishes. यहाँ पे scarcely का मीन है शायद ही. एनी पोलिटिकली सेंसिटिव केस, और जो भी पोलिटिकली सेंसिटिव या पोलिटिकली उत्प्रे या पॉलिटिकली संवेदनशील, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट थे बहुत ही कम ऐसे हैं कि जो गवर्नमेंट की इच्छा के अगेंस्ट गए हों. इस टेन्योर स्पेशली एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली लेफ्ट मैनी ऑब्जर्व पजल्ड अबाउट हिम, और बहुत सी पजल छोड़ कर गया इनका कार्यकाल. ही वॉज अ जज हु हैड पार्टिसिपेट इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन जनवरी 2018 क्रिटिसाइजिंग द देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हिज predecessor Deepak Misra and accusing him of abusing his power as a master of roster to fix politically sensitive case before convenient benches. और इन्होंने अगेंस्ट 2018 में भी किसके अगेंस्ट हुए थे दीपक मिश्रा के, और इन्होंने आरोप लगाया था उन पर कि वो रोस्टर की तरह वर्क कर रहे हैं, मतलब सर्वे सर्वा की तरह वर्क कर रहे हैं, मास्टर ऑफ द रोस्टर, और फिक्स पॉलिटिकली और बहुत से पॉलिटिकली सेंसिटिव मतलब जजमेंट को फिक्स कर रहे हैं किसी भी कन्वीनियंट बेंच के सामने रखते हुए, विदाउट किसी कन्वीनियंट बेंच के सामने रखते हुए. देयर वाज आल्सो द ओकेजन व्हेन द डिलीवर्ड द रामनाथ गोयनका लेक्चर इन 2018 जस्ट बिफोर हिज एलिवेशन एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेयर ही एलोक्वेंटली डिक्लेयर that the country need not only noisy journalist and independent judge but even independent journalist and noisy judge. One expected thus as the chief justice of India that he would be robustly independent in the interest of justice and equity and uphold the rule of law. और उन्होंने 2018 में क्या हुआ था रामनाथ गोयनका में एक लेक्चर दिया था, उसमें इन्होंने कहा था कि जर्नलिस्ट को नॉइजी नहीं होना चाहिए, मतलब कोलाहल जैसे आजकल चलता है, और चीफ जस्टिस को आज़ाद नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. तो इसी हिसाब से इसका उन्होंने, और जबकि क्या कहा था कि पत्रकार को क्या होना चाहिए इंडिपेंडेंट और जज को क्या होना चाहिए नॉइजी होना चाहिए, तो उसी हिसाब से उन्होंने बहुत से रूल्स और रेगुलेशन को सही ठहराया और अपने निर्णय दिए अपने कार्यकाल में. अ टर्निंग पॉइंट. सो व्हाट लेड टू द वर्चुअल कॉलेज ऑफ हिज इंडिपेंडेंट आफ्टर बिकमिंग अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अब इन्होंने कहा क्या क्या हमने वर्चुअली कॉलेप्स हुआ है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने. एलिगेशन ऑफ द सेक्सुअल हेरेसमेंट अगेंस्ट हिम गिव अस अ गुड इनसाइट इन टू दिस. अब इन्होंने क्या कहा जो उनके बीच में कुछ एलिगेशन लगे थे उस पर ये फोकस करना चाह रहे हैं. A female staffer who was asked by him to work at his residence accused him in an affidavit of detail of harassment soon after he became the Chief Justice of India. The action taken against her was astounding, मतलब होता है कि चकित कर देने वाला या अद्भुत, और उसको क्या हो गया अगेंस्ट उसके अगेंस्ट एक्शन लिया गया. Not only was she dismissed from the service in expert hearing of the frivolous ground, बहुत ही तुच्छ कारणों से उसको वहाँ से अलग कर दिया गया, but her brother-in-law, उसके दामाद को भी, who was inducted to the Supreme Court staff,
अंडर जस्टिस गोगोइस डिस्क्रिशनरी कोटा वॉज ऑल्सो टर्मिनेटेड। वहाँ से भी उसको क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में था तो उसको भी वहाँ से क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। सून आफ्टर द दिल्ली पुलिस सस्पेंडेड हर हस्बैंड एंड हिज ब्रदर अगेन ऑन बेसलेस चार्ज। और उसके कुछ ही समय बाद उसके हस्बैंड और उसके भाई को भी दिल्ली पुलिस ने सस्पेंड कर दिया। अ फैब्रिकेटेड केस वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट द स्टाफ स्टेफर वाया कंप्लेंट वो वाज देयर आफ्टर अनट्रेसेबल। और जो भी स्टेफ और किसी कर्मचारियों के द्वारा एक कंप्लेंट शिकायत करता मतलब शिकायत लगाई गई जो बाद में क्या हो गया, अनट्रेसेबल मतलब गायब हो गया। सी वॉज हरेस्ड बाय द पुलिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस। और इसके बेसिस पे पुलिस ने क्या किया, उसको हरेसमेंट किया। सी वॉज टेकन बाय द स्टेशन हाउस ऑफिसर ऑफ द तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन टू द गोगोई रेसिडेंस एंड मेड टू एपोलॉजीज। सी सबमिटेड हरसेल्फ टू दिस ओनली बिकॉज ऑफ टेरर ऑफ हर हॉरोइंग एक्सपीरियंस एट द हैंड ऑफ दिल्ली पुलिस। फिर उसने क्या किया, उससे मतलब रिटर्न में माफ़ी मांगी गई, वो माफ़ी मांगे रंजन गोगोई से उनके घर पे जाके। इमिडिएटली आफ्टर हर ऑर्डील्स दैट वाज डिटेन इन एफिडेविट टू द जज वाज पब्लिश्ड बाय द न्यूज़ पोर्टल जस्टिस गोगोई कॉल्ड फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हियरिंग ऑन सैटरडे वेयर ही अक्यूज्ड द वूमेन स्टेफर ऑफ बीइंग अ क्रिमिनल। जस्टिस गोगोई सेट एज अ जज इन हिज ओन कॉज इन अ केस ही टाइटल इन अ मैटर ऑफ ग्रेट पब्लिक इम्पोर्टेंस टचिंग अपॉन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। हाउएवर द डिस रिप्यूट दैट दिस ब्रॉट अपॉन इंडियाज हाइएस्ट जुडिशरी एंड द। फिर बाद में तो क्या होगा, उसका जो महिला का जो केस सुना गया या जो केस की हियरिंग हुई वो किसने की, खुद जो रंजन गोगोई जिन पर आरोप लगे उन्होंने की। तो ये सबसे बड़ा तो ये फैक्ट हो गया। फिर बाद में उसने क्या किया, अपॉन हिज इंडिया फोर्स कॉस्ट बाय द हियरिंग फोर्स्ड हिम टू अपॉइंटेड एन इन हाउस कमेटी हेडेड बाय द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विच क्वाइटली एब्जॉल्व जस्टिस गोगोई इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स पार्ट हियरिंग। इन दीज हियरिंग द वूमेन रिक्वेस्ट फॉर बींग अलाउड अ लॉयर। और जब वो हियरिंग हुई जो कि रंजन गोगोई की उसमें अध्यक्षता में या उसी के हस्तक्षेप में हुई, उसमें भी उसने कहा कि एक्स लॉयर अलाउड किया जाए उसके लिए, लेकिन उसको ये डिनाई कर दिया गया, वर रिफ्यूज्ड और रिफ्यूज्ड कर दिया गया और उसको फोर्सली फुली भगा दिया गया कहना चाहिए। द रिपोर्ट एफ सॉल्विंग जस्टिस गोगोई वाज पुट आउट बाय सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री एज अ प्रेस रिलीज। और वो जो जस्टिस था उसको प्रेस रिलीज में पब्लिकली कर दिया। बट अ कॉपी ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ द रिपोर्ट हैज नॉट बीन मेड अवेलेबल इवन टू द कंप्लेंट। मतलब और फिर बाद में उसकी जो कॉपी ओपी है वो कहीं पे भी नहीं दिखाई दी या न मिली। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द दिल्ली पुलिस टू हैव एम्बार्क्ड अपॉन एक्ट ऑफ मेलाफाइड हेरासमेंट ऑफ द वुमेन स्टेफर एंड हर फैमिली विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ जस्टिस गोगोई हिमसेल्फ। इन फैक्ट वन ऑफ द कंप्लेन। और इसमें क्या है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। एम्बार्क मतलब होता है प्रारंभ और मेलाफाइड मतलब दुर्भावनापूर्ण। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि रंजन गोगोई के विदाउट इन्फ्लुएंस से पुलिस ने उसके मतलब परे खुद को मतलब जो वूमेन थी उसको परेशान किया और उसकी फैमिली को परेशान किया। इन फैक्ट वन ऑफ द कंप्लेंट ऑन द बेसिस ऑन विच हर हस्बैंड वाज सस्पेंडेड एंड डिसिप्लिनेटरी प्रोसीडिंग इनिशिएट अगेंस्ट हिम वाज अ कंप्लेंट बाय जस्टिस गोगोई सेक्रेटरी। और जो उसके हस्बैंड ने एक कंप्लेंट की थी उसको भी उन्होंने गलत ठहराया और उनके सेक्रेटरी ने उल्टा उन पर कंप्लेंट कर दी कि ये गलत कंप्लेंट कर रहे हैं।
आई एम प्रीवी टू द फैक्ट दैट जस्ट बिफोर हिज रिटायरमेंट जस्टिस गोगोई यूज्ड सेवरल चैनल टू गेट द वुमेन टू विदड्रॉ हर कंप्लेंट अगेंस्ट हिम. दीज चैनल इंक्लूडेड स्टाफर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री एज वेल एज सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल. और जस्ट इन्होंने क्या रिटायरमेंट से पहले गुपचुप तरीके से कई ऐसे प्रयास किए कि जिससे वो क्या करे जो कंप्लेन रजिस्टर्ड की थी उस वूमेन ने वो वापस ले ले. दिस चैनल इंक्लूडेड स्टाफर्स सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री एज वेल एज ए सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल. इन द एंड द स्टाफर टर्मिनेशन वाज विदड्रॉ वाई द सुप्रीम कोर्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विथ रेट्रोस्पोर्ट स्पेक्टिव इफेक्ट एंड विथ पेमेंट ऑफ फुल वेजेस आफ्टर जस्टिस गोगोई रिटायर्ड. सी वॉज ऑल्सो गिवेन हर ड्यू ऑफ मैटरनिटी लीव फॉर 6 months. दिस इज ट्रूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिवन दैट जस्टिस गोगोई हैड अक्यूज्ड हर ऑफ बीइंग अ क्रिमिनल इन ओपन कोर्ट एंड प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु रिस्टोर्ड हर जॉब एंड बेनिफिट्स हैड डिसबिलीव हर कंप्लेंट इन द हाउस कमेटी. इट इज़ अगेन और बाद में उसे वापस कर लिया गया जिसको क्रिमिनल कहा था पूरी के पूरी कोर्ट के सामने रंजन गोगोई की अध्यक्षता में. इट इज़ अगेंस्ट द बैकग्राउंड दैट वी नीड टू लुक एट द जस्टिस गोगोई नॉमिनेशन टू अपर हाउस ऑन मंडे. और ये उनकी नॉमिनेशन को क्या करता है प्रभावित करता है और ना होने के लिए एक पुख्ता कारण है. अ फॉरगॉटन कोड द 16-point कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जज और एज इट वॉज कॉल्ड द री स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ जुडिशियल लाइफ एडॉप्टेड द चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस इन मई 1997 स्टेट 6. अ जज शुड प्रैक्टिस अ डिग्री ऑफ अलूपनेस कंसिस्टेंस विद द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस. अ जज शैल नॉट हियर एंड डिसाइड अ मैटर इन विच अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली अ क्लोज रिलेशन और अ फ्रेंड इज कंसर्न. ऑब्वियसली दिस अलूफनेस इज अ मोस्ट एसेंशियल ट्रेट नीडेड फ्रॉम पॉलिटिशियंस और फंक्शनरीज ऑफ द गवर्नमेंट. अनफॉर्चुनेटली दीज वैल्यू सीम्स टू हैव बीन फॉरगॉटन बाय जज हु इनवाइटेड पॉलिटिशियंस टू देयर पर्सनल फंक्शन यूलॉजीज देम इन पब्लिक और कॉल देम फॉर पर्सनल फेवर. अब क्या होगा कि उसमें कुछ आर्टिकल थे जब आप तो उसमें ये निर्धारित रहता है कि आप अपने रिलेटिव के या किसी दोस्त के जो जजमेंट है उससे खुद को क्या करें अलग कर लें. लेकिन यहाँ उल्टा हुआ. यहाँ पॉलिटिकली या फ्रेंड थे या जो खुद रंजन गोगोई ने खुद का केस देखा तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो यहाँ पर उल्टा था. वन कैन अंडरस्टैंड दैट देयर कुड बी सम इन द पॉलिटिकल क्लास वो मे बी लॉन्ग स्टैंडिंग पर्सनल फ्रेंड ऑफ जज बट देन इट इज इनकम्बेंट ऑन अ सच जज नॉट टू हियर एंड डिसाइड केस ऑफ दोज पॉलिटिशियन हु आर देयर पर्सनल फ्रेंड. जज कैन ऑल्सो बी द इंटरेक्ट विद फंक्शनरीज ऑफ द गवर्नमेंट इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी फॉर ऑफिशियल वर्क. बट वी नाउ सी दैट रिपीटेड स्पेक्टर्स ऑफ जज hearing and deciding case of politicians with whom they have a personal. लेकिन यहाँ पे बार बार कैमराडरीज मतलब सौहार्द यही देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर्सनल उनका सौहार्द है उसके लिए वो उस हिसाब से जजमेंट देते हैं. दिस कोड ऑफ कंडक्ट ऑल्सो ले द बेसिस ऑफ हाउ पोस्ट रिटायरमेंट कंडक्ट ऑट टू बी. और ये मोस्टली बेस्ड होता है कि इनका पोस्ट रिटायरमेंट के बाद इनका क्या होना चाहिए था. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ अ जज आफ्टर डिसाइडिंग पॉलिटिकली सेंसिटिव केस इन्वॉल्विंग पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियन सून आफ्टर रिटायरमेंट सीक एंड गेट अ प्लम पोस्ट सच एज राज्यसभा नॉमिनेशन बाय दोज वेरी पॉलिटिशियन और पार्टीज इट वुड ऑब्वियसली रेज सीरियस क्वेश्चन अबाउट हिज और हर इंडिपेंडेंस एज अ जज व्हेन ही और सी हैड डिसाइडेड दोज केसेस. और ये उनका राज्यसभा में नॉमिनेशन होना उनके तुरंत मतलब रिटायरमेंट के बाद
ये एक वो करता है, मतलब प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आखिरकार ये इंडिपेंडेंट थे भी कि नहीं थे, कि किसी एक पार्टी और उसके लिए इन्होंने काम किया। जस्टिस गोगोई एंड द गवर्नमेंट एक्शन इन द सेक्सुअल हरासमेंट केस एंड द ऑफर ऑफ अ राज्यसभा सीट बाय गवर्नमेंट रेज सीरियस डाउट अबाउट द फेयरनेस ऑफ मैनी क्रिटिकल जजमेंट इंक्लूडिंग द वंस मेंशनड अबाउट दैट वर अंडर जस्टिस गोगोई वाच। मतलब जो तुरंत राज्यसभा में वो होना और सेक्सुअल हरासमेंट के केस को किस हिसाब से गवर्नमेंट ने लिया और किस हिसाब से उसको डील किया, उससे ये प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि आखिरकार ये क्यों है। द प्रेसिडेंट दैट ही हैज सेट ए स्ट्राइक अ ब्लो अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, आई होप दैट दिस शेमफुल एक्ट विल लीड टू पब्लिक। यहाँ पे ओप्रियम के मतलब होता है अपमान होना, ठीक है, विच विल डेटर अदर जज फ्रॉम द एम्यूलेटिंग सच कंडक्ट। और लास्ट में ये क्या कह रहे हैं कि ये एक सैम्पल पूरा का पूरा रीजन है और आई होप कि जो नेक्स्ट जज आएंगे उनको डेटर मतलब रोक रोक के रखेगा इस हिसाब की नकल करने के लिए या इस हिसाब का कंडक्ट फिर से दोहराने के लिए, ठीक है। तो आई होप दिस इज द टुडेज एडिटोरियल, यू एन्जॉय दिस, आई आई हाईलाइटेड ऑल नेसेसरी वोकेबुलरी वर्ड, सो आई होप यू विल लर्न और यू राइट, सो थैंक यू फॉर टुडे।